युवा दलों की धड़कन, हमारे छत्तीस कौम के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब और हमारे श्रद्धे सम्मानीय हेमाराम जी, जिनकी वजह से आज ये पूरा बाड़मेर ही नहीं राजस्थान में चर्चा है। मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायकगण और प्यारे साथियों, मुझे दो मिनट का टाइम मिला है, उसमें मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। आज जो हेमाराम जी और हमारे ये वीरेंद्र धाम का मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी लोकार्पण किया, एक ऐतिहासिक देखने में, और जो हमने अंदर से जाकर देखा, जो हॉस्टल तैयार किया है, ये इतना काबिले तारीफ है कि इनकी जितनी प्रशंसा करें वो कम है। ये कोई बिल्डर ही होते हैं जिनके भाग्य में ऐसा लिखा होता है, आज ये वही है। अदरवाइज तो कोई चूल्हे की राख नहीं देता, तीन तीन इंची और छह छह इंची पे तो लोग कह रहा हूं मर जाते हैं, जो आज पूरा बाड़मेर राजस्थान इस बात को सम्माननीय श्रद्धे हेमाराम जी के लिए जो आदर भरे शब्दों में जो बात कर रहा है, मैं उनके लिए तहे दिल से एक बहुत ही अच्छे श्रद्धा सुमन के हिसाब से आप सबके लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीतिक बात करने का टाइम नहीं है, फिर करते रहेंगे, लेकिन ये बादल गरज रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पूरा राजस्थान का हर व्यक्ति ऊपर आसमान में देख रहा कब बादल आएंगे, कब बरसात होगी, कब राजस्थान में सरकार बनेगी। जय हिंद, राम राम साहब।